वसंत ऋतु के बीतने और होली का पर्व के नज़दीक आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पलाश के फूलों के बहार छाई हुई है, जिसमें वातावरण सौंदर्य बनने लगा है। सड़कों के किनारे लगे पलाश के पेड़ों पर आए फूलों ने सड़कों की रौनक बढ़ा दी है। पलाश के फूल और पत्ते और लकड़ी स्वास्थ्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कई रोगों की दवाई बनाई जाती है। टेसू के फूलों से होली का पर्व पर रंग भी बनाया जाता है। टेसू फूल के पेड़ ग्राम सैलानी आधावन आदि ग्रामों में, जहां का वातावरण इन दिनों ऐसा लगने लगा है मानो पेड़ पर किसी ने दहकते अंगारे लगा दिए हैं। आमतौर पर बसंत ऋतु के समय में ये फूल खिलने लगते हैं। होली के आसपास ये फूल चरम पर आकर जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हालांकि रंग उत्सव मनाए जाने में अभी समय है, लेकिन प्रकृति ने उसकी तैयारी बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेसू के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं। आज भले ही केमिकल युक्त रंग गुलाल से होली पर्व मनाते हैं, लेकिन एक समय था जब पूर्वज पलाश के फूलों से ही होली खेला करते थे। पलाश के फूलों को होली के लिए एक दिन पहले एकत्रित कर उसे मिट्टी के पात्र में रख कर गर्म करते थे। इससे प्राकृतिक रंग तैयार होता था। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।